नमस्कार SBI 9 न्यूज में आपका स्वागत है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है कि जहां चुनाव आयोग ने 2 दिन पहले 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव को देखते हुए तारीखों का ऐलान कर दिया था, वहां पर अब राजस्थान एक ऐसा राज्य सामने आया है जहां पर चुनाव तारीख में बदलाव करने की सबसे बड़ी मांग उठी है। दरअसल आपको बता दें कि चुनाव आयोग को एक बड़ी चिट्ठी लिखी गई जिसमें ये कहा गया कि यहां पर चुनाव तारीख में बदलाव किया जाए। दरअसल 23 नवंबर को राजस्थान में चुनाव होने थे। ऐसे में देखा जाए तो ये बड़ी दलील दी गई थी कि यहाँ पर 23 नवंबर को देव उठनी एकादशी है जो शादियों की तारीख मानी जाती है। इस दौरान से शादियां शुरू हो जाती हैं और ऐसे में देखा जाए तो शादियां राजस्थान में कई संगठनों द्वारा देखी जा रही हैं और लगभग 50,000 से अधिक शादियां होने की बात कही जा रही है। तो ऐसे में ये कहा जा रहा है कि यहाँ पर चुनाव पर असर पड़ेगा, वोटिंग पर असर पड़ेगा, और ये कहा गया कि वोटिंग पर असर पड़ेगा तो भारतीय जनता पार्टी को कहीं ना कहीं बड़ा झटका लगता हुआ नजर आएगा। ऐसे में ये कहा गया चुनाव आयोग को कई संगठनों ने जो शादियां करवाते हैं, शादी समारोह में शामिल होते हैं, ऐसे में इस संगठन ने यहां पर सीधे तौर पर चुनाव आयोग को एक बड़ी चिट्ठी लिखी। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी कहा गया कि यहां पर चुनाव तारीखों में बदलाव किया जाए। तो यहां पर अब चुनाव आयोग ने तारीख बदलकर यानी कि 23 नवंबर को जो राजस्थान में चुनाव होने थे अब यहां पर 25 नवंबर को चुनाव होते हुए नजर आएंगे। चुनाव आयोग ने यह बड़ा फैसला ले लिया। दरअसल ये कहा गया कि यहाँ पर अगर शादियां होंगी तो लोग वहां पर व्यस्त रहेंगे, वोट डालने नहीं आएंगे। अगर वोट नहीं डाले जाएंगे तो ऐसे में सीधा असर राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ देखा जाएगा, यानी कि भारतीय जनता पार्टी को एक बड़ा झटका लग सकता है क्योंकि यहाँ पर ना तो महिलाएं वोट डाल पाएंगी ना ही पुरुष वोट डाल पाएंगे और जो लोग शादियों में शामिल होंगे ना वो वोट डाल पाएंगे। तो ऐसे में संख्या शादियों की बहुत ज़्यादा मानी जा रही है, 50,000 से अधिक शादियों का जिक्र किया जा रहा है और ऐसे में लाखों लोगों के शामिल होने का भी बात कही गई है। तो एक बड़ा फैसला चुनाव आयोग ने ले लिया है कि 25 नवंबर को अब यहां पर चुनाव होंगे।